हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बांदा पर्व से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बांदा पर्व से संबंधित कुरमाली गीत और उस गीत का हिंदी में अनुवाद भी देखने वाले हैं। आप सभी से एक ही विनती है कि आप सभी मेरे लेक्चर्स का नोट्स बनाएं। मैं दावा के साथ बोल सकता हूं जितने भी टॉपिक और क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। बांदा पर्व कार्तिक माह से है, यानी कि बांदा पर्व कार्तिक महीने में मनाया जाता है। बांदा पर्व के सोहराय पर्व कहल जाए, यानी कि बांदा पर्व को सोहराय पर्व भी कहा जाता है। छोटा नागपुर चासाकर सोबले बड़ो पर्व बांदा है, यानी कि छोटा नागपुर के किसानों का सबसे बड़ा पर्व बांदना है। ई पर्वे चासा घरे गाय गोरु आर लौकी कर पूजा करत, यानी कि इस पर्व में किसान घर की गाय बैल और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आमास कर सांझे कांचा दिया घरे सबो द्वारे जरल जाए, यानी कि अमावस्या की पूर्व संध्या पर कच्चा दिया घर के चारों ओर द्वार पर जलाया जाता है। अकर परे गाय गोरु के सिंगे तेल देथिन, यानी कि उसके बाद बैलों के सिंगों पर तेल लगाया जाता है। ई परबटा तीन दिन तड़िक विधि विधाने मनल जाए, यानी कि यह पर्व तीन दिनों तक विधि विधान से मनाया जाता है। लोग आपन घरे छाका छाकी करत छवा रिझे फटका फुटात, यानी कि लोग अपने अपने घरों में पकवान बनाते हैं, बच्चे खुशी में पटाखे फोड़ते हैं। ई परब टाकर तीन दिने गाय चुमान गोहाल पूजा आर बरत खुटा है, यानी कि इस पर्व में तीसरे दिन गाय चुमान गोहाल पूजा तथा बरत खुटा होता है। एकर परक दिने बूढ़ी बांधना कहत, यानी कि इसके बाद वाले दिन को बूढ़ी बांधना कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह पर्व मवेशियों के प्रति किसानों के प्रेम का सूचक है। दशहरा के दूसरे दिन से ही कुरमाली समुदाय दीपावली की तैयारी में लग जाता है, अपने घर आंगन की पूरी साफ सफाई करते हैं, घर को विभिन्न रंग की मिट्टी से लिप पोत कर सजाते हैं और बांदा पर्व की इंतजार व्याकुलता से करते हैं। बांदना गीत विभिन्न तरह के होते हैं। सुविधा की दृष्टि से बांदना गीतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला पर्व संबंधी गीत, दूसरा पशु संबंधी गीत, तीसरा जाहिली भुला गीत। तो अभी हम लोग जो गीतों का वर्गीकरण किए हैं इनको हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। पहला पर्व संबंधी गीत, कैसे चिन्हले बरता चेत बैसाख मास, कैसे चिन्हले आषाढ़ मास रे, कैसे चिन्हले पर्दा आसिन कार्तिक मास, पहुँचल सोहराय का मास रे, घोराय चिन्हले पर्दा चेत बैसाख मास, कादाय निछले आषाढ़ मास रे, शिशिरे चिन्हले पर्दा आसिन कार्तिक मास, पहुँचल सोहराय का दिन रे। इस गीत में किसान बैल से सवाल करता है कि चैत मास
वैसाख का महीना आ गया है, ये तुमने कैसे पहचाना? फिर आषाढ़ महीना भी तुमने पहचान लिया, इसके बाद आसिन कार्तिक को कैसे पहचाना? और तो और तुमने यह भी बता दिया कि सौराय पर्व आ गया है, भला कैसे? इसका जवाब बैल इस प्रकार देता है कि धूल उड़ने से पहचान लिया कि यह चैत वैसाख का महीना है, एवं जब पानी पड़ना शुरू हो गया और खेत के रास्ते में कीचड़ होने लगा तो मुझे आषाढ़ महीना का आभास हो गया, आसिन कार्तिक का महीना आ गया है और अब सौराय पर भी आ जाएगा। इस गीत से हमें यह मालूम होता है कि हमारे पशु भी समझदार हैं एवं उनमें भी पहचान की शक्ति होती है। वे भी अपने हाव भाव से बता देते हैं कि वे उल्लास के अवसर को पहचान गए हैं। तो अभी हम लोग बांदा पर्व के गीतों का दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, जो कि पशु संबंधी गीत है। कहाँ ही रे पर्दा चर ले बाजले, कहाँ ही कर ले स्नान रे, कहाँ ही रे पर्दा बीर माटी माखले, एखन नाच तो लगायो रे। बीजू बने हो बरदा चरले बाजले, माल दोहे कर ले निशान रे, ढोड़ा धारे रे बरदा बीर माटी माथले, एखन नाच तो लगायो रे। इस गीत में किसान बैल से प्रश्न करता है, कहाँ तुमने घास खाया, कहाँ स्नान किया, कहाँ शरीर में मिट्टी लगाया और अभी नाच लगाए हो। बैल सवाल का जवाब देता है, बीजू वन में घास चरा, माल दो पानी में स्नान किया और इसके बाद गड्ढा में मिट्टी लगाया और अभी नाच करने लगा हूँ। तो भी बांदा पर्व के गीतों का वर्गीकरण का तीसरा वर्गीकरण देख लेते हैं, जाहिली भुला गीत। दिवाली की रात में गांव के लोग झुंड में गीत गाते हैं एवं गांव के घर घर जाते हैं और उसी समय जो गीत गाते हैं उसे जाहिली भुला गीत कहते हैं। जाहिली भुला गीत निम्न प्रकार से हैं, अही रे खजा खजते जाए, पूछा पूछते जाए, कति दूरे फालना कर घर रे, फालना कर घरे आई हक, तुलसी का पीढ़िया ऊपरे तो घुरे, हाँसा राजा हो। इस गीत में जाहिली भुला कोई कृषक का घर भूल गया है, लेकिन खोजते खोजते दूसरों से पूछते पूछते जा रहा है कि फलाने का घर कहाँ है। जवाब मिलता है कि फलाना का घर तुलसी का पीढ़िया है और ऊपर में हंस घूमता है। जाहिली भ्रमण के समय रास्ता चलते चलते जो गीत गाया जाता है उसे डहरवा कहते हैं। डहरवा का एक रूप चाचर डहरवा कहलाता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपने इतने डिटेल्स में बांदा पर्व कभी नहीं पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं बांदा पर्व के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बांदा पर्व से संबंधित सभी गीतों को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और इस लेक्चर को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो जाते जाते आप लोगों के लिए दो लाइन, दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो, दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो, लोगों का सिर्फ वक्त आता है, हमारा तो दौर आएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने
माँ बाप का सपना को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। आप सभी इसी प्रकार अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।